अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग लेके आए लारावेल की एक न्यू वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लारावेल के अंदर नेविगेशन बार जो है किस तरह बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है नेविगेशन बार जो बनाएंगे एक अलग लेआउट पेज के अंदर, और उसको अलग अलग पेजेस के साथ लिंक करेंगे। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो चलो दोस्तों, बगैर टाइम जाएँ कि स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जो आपको समझ तो आ गई होगी। तो आपने सिंपल करना क्या है, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नए बार बनाने के लिए हमने सिंपल करना क्या, सबसे पहले जो है एक रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर जाके एक लेआउट की फाइल बना लेनी है। सिंपल लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के नाम से हम लोग ये फाइल बना लेते हैं। तो लेआउट फाइल बनाने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेब गाइड ऑफिशियल डॉट कॉम। जैसी वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपने हाउ टू पे क्लिक करना है। तो हाउ टू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो है सोर्स कोड पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है कि सिंपल लेफ बार जो आपको पसंद है वो कॉपी कर लेना है। इनमें से कोई सा भी आप कॉपी कर सकते हैं, हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। सिंपल इसको कॉपी करके जो अपना लेआउट की जो फाइल है उसमें जाके आपने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो है वो हटा देना, और इसकी जगह पर लिखना है @session। इस सेशन के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी देंगे उस नाम से आपका सेशन बन जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टेंट दे देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने लिखा @show, ये आपका सेशन बन गया। अभी जो है यहाँ पर अगर अपना फूटर देना चाहते हैं तो आप सिंपल कहीं से भी सोर्स कोड उठा के फूटर यहाँ पर पेस्ट कर दें। अभी हमने क्या करना है, जितने भी ये नए आइटम्स हैं इनके लिए अलग अलग फाइल बनानी है। सिंपल व्यू के अंदर आके आपने जो है होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी के नाम से एक फाइल बना लेनी है, और दूसरी अबाउट के लिए बना ली है, सेम काम है, अबाउट डॉट पी एच पी डॉट ब्लेड के नाम से दूसरी फाइल बना लें। तीसरी जो हमने प्रोडक्ट के लिए बनानी है उसके लिए भी यही सेम काम है, प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ये तो हमारी जो फाइल बन गई। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर जो एक्सटेंड करना है लेआउट को। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले @ एक्सटेंड लिखना है, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है अपने जो जिस पेज को एक्सटेंड करना है वो यहाँ पे लिखना होता है। तो हमने लेआउट को करना है, हम सिंपल यहाँ पे लेआउट लिख लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने वहाँ पे सेशन बनाया था वो यहाँ पे जो है कॉल करना है। तो उसके लिए @ सेशन लिख के जो हमने वहाँ पे नाम लिखा था वही सेम नाम यहाँ पे हमने लिखना है। तो अभी इस सेशन को हमने क्लोज भी करना है, तो सिंपल क्या करना है @ सेशन लिख देना है, बस इतना सा काम है। तो अभी जो हम इस पेज के अंदर जो हम शो करवाना चाह रहे हैं वो इसके बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जो है सेंटर टैग जो है वो लगा लेते हैं, उसके अंदर H1 का टैग लगा लेते हैं, और यहाँ पर हमने जो लिखना है वो लिख लेते हैं, दिस इज प्रोडक्ट पेज लिख लेते हैं। आपने जो भी इस पेज के अंदर शो करवाना है, जो भी काम आपने करवाना है, कुछ भी बनाना है, वो आपने सिंपल जो है इन जो सेशन है इनके दरमियान में लिखना है। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो सारा जो इस पेज के अंदर जो शो होगा। तो अभी सिंपल इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और आपने जो है बाकी जो पेजेस उनके अंदर पेस्ट करके और नाम चेंज कर देते हैं। और अभी जो है होम के लिए भी यही सेम काम करना है। इसके अंदर जो है होम के अंदर सिंपल यहाँ पे होम लिख देंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अभी इसकी हमने कंट्रोलर के अंदर सेटिंग करनी है। तो कंट्रोलर के अंदर जाके आपने क्या करना है कि इनके लिए जो है फंक्शन बनाने हैं अलग अलग। तो पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद जो है आपने फंक्शन का नाम लिखना है। यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं। तो इंडेक्स के नाम से हम पहला फंक्शन बना लेते हैं होम के लिए, और इसके अंदर रिटर्न हमने होम का व्यू करना है। जो भी व्यू आपने रिटर्न करना है वो आप व्यू के अंदर जो है यहाँ पे रिटर्न करेंगे सिंपल ब्रैकेट के अंदर। हम यहाँ पे होम लिख लेते हैं व्यू का नाम जो है, और उसके बाद जो है सेम काम बाकी व्यूज़ के लिए भी करना है। तो उनके लिए सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे जितने आपके व्यू हैं, और इनका नाम जो है चेंज कर लेते हैं, दूसरे अबाउट लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो है अबाउट का पेज रिटर्न करवाना है तो अबाउट लिखेंगे यहाँ पर, और ये तीसरा जो प्रोडक्ट के लिए उसके लिए भी सेम काम करना है, नीचे प्रोडक्ट का व्यू रिटर्न करवाना है, और ऊपर जो है फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अभी उसके बाद हमने क्या करना है, राउटिंग करनी है। तो सिंपल वेब के अंदर जाके इस वाली लाइन को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, आपने यहाँ पर राउट लिखना है, और राउट के बाद आपने गेट लिखना है। गेट के अंदर जो ब्रैकेट बनानी है और उसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख देना है, वो होना ये वो टेक्स्ट जो लिखने से आपके जो पेज लोड होगा। तो हम सिंपल होम लिख लेते हैं, और होम के बाद आपने जो है कंट्रोलर बताना है कि किस कंट्रोलर के अंदर इसका जो फंक्शन है वो है। तो हमारा कंट्रोलर न्यू कंट्रोलर है, तो हम न्यू कंट्रोलर यहाँ पे नाम दे देंगे अपने कंट्रोलर का नाम। तो न्यू कंट्रोलर के बाद आपने क्या करना है कि @ जो है वो लगाना है, और उसके बाद जिस फंक्शन पे जाना है वो उसका नाम बता देना है। तो हमने इंडेक्स पे जाना है तो इंडेक्स पे चले जाएगा। ये काम हुआ क्या है कि हमने ये काम किया है कि अगर कोई होम लिखता है तो कंट्रोलर के अंदर जाके ये इंडेक्स का मेथड है ये कॉल होगा, और इस इंडेक्स के मेथड के अंदर क्या है, व्यू हमने जो है रिटर्न किया हुआ है वो है होम का, तो वो होम का पेज रन कर देगा। अभी आपने क्या करना है, इस कंट्रोलर के अंदर सी लाइन कॉपी कर लेनी है, और वापसी जो है राउटिंग वाली फाइल के अंदर जाके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और उसके बाद एक स्लैश ऐड कर देना है, और ये लाइन जो है उसको कॉपी करके बाकी जो पेजेस बच गए उसके लिए पेस्ट कर देनी है, जो अबाउट और प्रोडक्ट का पेज बच गया। और यहाँ पर जो है अबाउट लिख देना है, ताकि कोई अबाउट लिखे तो ये अबाउट का पेज रन हो,
और यहाँ पे रिटर्न में अबाउट का जो फंक्शन है वो कॉल करवा देना है ताकि अबाउट का फंक्शन कॉल हो जाए। और यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी सेम काम करना है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ही लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो लिखने से आपका पेज रन होगा। तो यहाँ पे हम अबाउट का जो फंक्शन है वो कॉल करवा लेते हैं। अभी जो हम इस काम को टेस्ट करते हैं कि जो हमने काम किया है वो सही चल रहा है या नहीं, तो यहाँ पर हम अबाउट लिख के देखते हैं कि अबाउट लिखने से जो हमारा अबाउट का पेज है वो आ रहा है या नहीं। हाँ तो सही, अबाउट का पेज तो रन हो रहा है। उसके बाद जो प्रोडक्ट का पेज देखते हैं कि वो रन हो रहा है नहीं, तो हमारा जो मतलब राउटिंग है वो सही काम कर रही है, लेकिन जो नेव बार है वो उसके क्लिक करने पे पेज चेंज नहीं हो रहे। तो अभी हमने ये काम करना है कि ये नेव आइटम पे क्लिक होने से जो पेज है वो चेंज हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपने अपने लेआउट के पेज पे जाना है और यहाँ पे एचडीएफ के अंदर आपने जो है होम के लिए सिंपल स्लैश लगा देना है, क्योंकि होम का जो पेज है वो हमने स्लैश के ऊपर मतलब कि डिफॉल्ट रन करवाया हुआ है। उसके बाद जो अबाउट के लिए स्लैश अबाउट लिखना है और उसके बाद जो है प्रोडक्ट के लिए स्लैश प्रोडक्ट लिखना है। बस इतना सा काम करना है और हमारी जो नेव बार है वो अच्छे से काम करना जो है स्टार्ट कर देगी। और उससे टेस्ट करने से पहले यहाँ पर जो है बैनर जो है इसके लिए भी हम केजी ऑफिशियल यहाँ पे लिख देते हैं और होम के पेज को जो है रन करवा लेते हैं। और अभी जाके देखते हैं हमारा जो ये नेव बार है वो सही अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो अभी जाते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और उसके बाद अबाउट पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा काम चल रहा है या नहीं। जैसे हम अबाउट पे क्लिक करते हैं और अबाउट का पेज जो है वो देखिए रन हो गया, ये मैसेज हमारे पास आ गया। और प्रोडक्ट पे क्लिक करने पर प्रोडक्ट का पेज रन हो रहा है और होम पे क्लिक करने पे वापसी होम का पेज आ रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो खाली बिगनर्स के लिए ताकि उनको जो लारावेल में नेविगेशन बार में जो कन्फ्यूजन थी वो खत्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।